मेरे लाइफ में दो लेडी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको आप कह लो बेस्ट क्रिटिक। मेरी मदर हमेशा सबको कहती थी कि मेरा बेटा नाम करेगा, और करेगा तो आप लोग देखिएगा कि क्या करेगा। फिर मेरी वाइफ आई, सेम कहानी उसकी, वो तो एकदम डंडा, वो तो मेरी मदर से भी बहुत बड़ी वाली है। एक नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं भैया, हमारे झगड़े हो जाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कहना है कि भैया मुझे बताना है, यूट्यूब पे तो मैं कभी आने वाला था ही नहीं, क्योंकि हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट। दोस्तों आज का जो पॉडकास्ट है वो तहलका होने वाला है, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट ही तहलका है। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसा शब्द है जिससे आज बहुत सारे लोग डरते हैं कि भैया कितना भरोसा किया जाए, कितना इसमें घुसा जाए या ना घुसा जाए। लेकिन ये जो भी जितनी भी दुविधाएं हैं, जितने भी जो प्रश्न है, जो ये डर है, ये निकालने का काम जो है वो एक डॉक्टर ही कर सकता है। और आज के हमारे गेस्ट भी डॉक्टर ही हैं। और दोस्तों उनका काम इतना लाजवाब है कि आप देख सकते हो कि YouTube के ऊपर इनके भैया 12 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार हो चुका है। और अगर मैं सच बात बताऊं तो अब वो 12.9 पे रुका हुआ है। जब तक शायद ये पॉडकास्ट खत्म होगा 13 लाख कंप्लीटेड भी हो जाएगा। इस रफ्तार से जो है इतना इम्पैक्ट इन्होंने इतने लोगों पे किया है अपने काम से। तो दोस्तों आज तो भैया मैं अपनी थाली लेके बैठ गया हूं और सर जी को बोलने वाला हूं कि परोसो, क्योंकि आज मैं स्वागत करता हूं हमारे सर जी, प्यारे सर जी, मुकुल सर जी। मैं आपका स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट पर। हेलो श्रीधर जी, थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। बहुत अच्छा लग रहा है। आपके पहले भी पॉडकास्ट वगैरह की चीजें जो हमें पता चली हैं, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होने वाला है, और आपके व्यूअर्स को भी उम्मीद करेंगे कि बहुत ही अच्छा सीखने को मिले आज का सेशन, जहां पर जो लोगों के अंदर एक छवि स्टॉक मार्केट को लेकर है उसको सुधारने की कोशिश करें। तो सर जी आज हम दोनों का भी यही प्रयास रहेगा, जैसे आपने बताया स्टॉक मार्केट का डर निकालना है। बहुत सारी और चीजें भी हैं, आपके बहुत सारे लाइफ लेसन होंगे, रिजेक्शन होंगे, इनके बारे में थोड़ा बात करेंगे ताकि एक मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले जो व्यूअर्स आज देख रहे हैं। तो सर शुरुआती तौर पे मेरा यही सवाल है कि अभी आप कहाँ पे है सर, और आपके एक्टिव आवर्स आप अभी फिलहाल कहाँ पे डिवोट कर रहे हैं? मैं लखनऊ में रहता हूँ, ऐसे पटना से बिलोंग करता हूँ, लास्ट 5 ईयर्स से लखनऊ में हूँ। पटना भी हमारी ऑफिस है, लखनऊ भी ऑफिस है, बट मैं प्रॉपरली लखनऊ में रहता हूँ। यूट्यूब पे तो मैं कभी आने वाला था ही नहीं, क्योंकि जैसा ओ कि जो मुझे जानते नहीं हो उन्हें मैं बता दूं कि मैं स्टॉक मार्केट में 19 साल हो गए, और यूट्यूब देखा जाए तो अभी कुछ सालों से हाइप पर है। और ब्रोकिंग हो या ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, हम लोग 19 ईयर्स से कर रहे हैं, और मैं पर्सनली 19 ईयर्स से फुल्ली एक्टिव हूँ। फुल्ली जिसको कहते हैं हार्डकोर एक्टिव हो ना, वो। जहां तक बात आई यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे मैं बिल्कुल नहीं आने वाला था, क्योंकि मुझे लगता था कि यूट्यूब, लगता था नहीं, मतलब आज भी लगता है ही, कि यूट्यूब पे जब आप आ रहे हो तो एक जिम्मेदारी है, आपका एक परिवार बन रहा है, तो आप उस परिवार के लिए जिम्मेदार हो, कुछ कमिटमेंट अगर कर रहे हो तो उसको पूरा करने के लिए जिम्मेदार हो। और मैं शुरू दिन से उससे डरता था कि पता नहीं मैं वो जिम्मेदारी निभा पाऊंगा या नहीं निभा पाऊंगा, क्योंकि मेरे दूसरे भी कई काम हैं, जैसे रियल एस्टेट हो, या मतलब कहते हैं स्पाइसेस का हो, या कई सारी चीजें। जैसे हर इंसान अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए 4 चीजें करता है, सेम स्टोरी मेरी थी। और यूट्यूब अपने आप में एक फुल टाइम टेकिंग सब्जेक्ट आ जाता है। तो इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मेरे बेटे का नाम धैर्य है, और मेरा एक स्टूडेंट जी मुंबई का था धैर्य, उसका भी नाम धैर्य था। और ये 3 साल, कोविड तो एक्चुअली 2-3 साल हो गए, मतलब ये आप समझ लो कि हाँ 3-4 साल पुरानी बात है, कोविड से पहले की। जब उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर आपको यूट्यूब पे होना चाहिए, तो मैंने वही जो चीज अभी आपको बोली ना, वही बात मैंने उसको बोली कि भैया होना तो चाहिए, मुझे भी पता है, क्योंकि YouTube से पहले भी लोग मुझे फॉलो करते थे जो मुझे जानते थे, बट ऑफ कोर्स YouTube आपको एक अनदर लेवल का प्लेटफॉर्म देता है, ये भी उतना ही बड़ा सच है। तो लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं इस पे आ नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये जिम्मेदारी लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 2 दिन वीडियो बना दी और हो गया। जितने सारे मेरे इधर उधर के बयाने हैं वो बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। तो उसने बोला सर आप टेंशन ना लो, सारी जिम्मेदारी मेरी। आज भी याद है कि उसने टीम व्यूअर पे लेकर YouTube चैनल खोला था खुद से, और उसके बाद उसने, जब मैंने वीडियो बनाई तो उसने खुद से अपलोड किया था, मतलब कि सर आप टेंशन ना लो, वो मेरी जिम्मेदारी है, समझ पा रहे हो, मतलब एक वो था। फिर जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप वीडियो डालते हो, लोगों को पसंद आती है और नीचे कमेंट पढ़ते हो, तो आपको लगता है अरे वाह, मतलब एक
गूज बम्स आ जाते हैं कि यस यार, किसी की जिंदगी में हमने कुछ इम्पैक्ट डाला। बस वो मोमेंट था जो मतलब फिर मेरे को छू गया कि नहीं सच में। तो वो थैंक्स टू धैर्य कि फिर वो एक जर्नी चली, एक कारवां चला और हम यूट्यूब कर रहे हैं। तो यूट्यूब भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी है, बिजनेस भी है, सब कुछ साथ में कर रहे हैं। जी आप धैर्य जी को सिर्फ आप ही धन्यवाद देंगे, वो जितने लोग जिन्होंने जिन जिनके लाइफ पे आपने इम्पैक्ट क्रिएट किया है वो सभी धैर्य जी को धन्यवाद इस वक्त दे रहे होंगे कि उनके जरिए आपका जो काम है इस YouTube प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचा। तो सर YouTube के पीछे की जर्नी वैसे मैं पूछने वाला था, आपने बता दी, बट ये स्टॉक मार्केट की जो जर्नी, जो आपके लाइफ में इसका इंट्रोडक्शन हुआ, ये कैसे हुआ? मतलब कैसे दिमाग में आया कि इसमें कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? कुछ नहीं था, ये तो सबको सुनना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हर इंसान मेरे ही तरह, मतलब मुझे लगता है कि मैं भी बैक बेंचर बच्चा, मतलब जो मिडिल सो सो टाइप होता है उसी टाइप का बच्चा था। बट एक्चुअली मेरे सपने थे डॉक्टर बनने के, और मैं जी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, तो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो पहले साल भी BDS आया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहली बार BDS आया कोई बात नहीं, अगली साल तो MBBS की सीट आ ही जाएगी, तो कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगली साल भी BDS आया, मतलब 2 साल बैक टू बैक BDS आ गया। तो अब क्या होता है, एक तो MBBS की पढ़ाई ऐसे ही बड़ी टफ होती है, ऊपर से 2 साल लगातार बैक टू बैक BDS आ जाए ना, फिर यहां से दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। आपको खुद पे संशय और सवाल आने लगते हैं कि अरे यार कुछ नंबर से छूट रहे हैं, कुछ नंबर से छूट रहे हैं। ऊपर से क्या हुआ कि जी मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो घर वालों का प्रेशर, अरे यार सब तो बिजनेसमैन है, तुम BDS ही चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो कह पाएंगे जी सोसाइटी में मेरा बेटा डॉक्टर है करके, ये कहानी। तो अब ये सारा मामला था, बट मुझे उस समय में, आपको याद होगा 2000 के समय में BDS की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी, ईमानदारी से अगर देखा जाए तो। आज भले 20 साल की जर्नी है, अब दांत के डॉक्टर की एक अलग वैल्यू है, बट उस समय ना इनकम थी ना वैल्यू थी, करेक्ट है ना। तो इसके कारण मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। तो जी उसी समय फिर जैसे कि हम लोगों का हल्दी मिर्ची का भी काम था, तो वहां से मेरे अंकल, ये जो NCDX के बारे में आई डोंट नो आप जानते हो या नहीं, NCDX जहां पे जी हल्दी मिर्ची की खरीदी बिक्री होती है, और MCX जहां पर गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल मेटल्स की खरीदी बिक्री होती है, ये सब उस समय लॉन्च हुए थे। तो एक्चुअली NCDX को लॉन्च होने का मकसद था फिजिकल और फ्यूचर के बीच बैलेंस क्रिएट किया जा सके, और जो फिजिकल वाले व्यापारी हैं वो फ्यूचर में हेज करके पैसे भी कमा सके और बाकी रिटेलर भी जी कमा सके। तो वहां पर जिनके पास रिटेल में काफी, यानी फिजिकल में काफी बड़ा बिजनेस था, उनके पास एक्सचेंज से फोन जाता था कि लाइक फिजिकल में क्या प्राइस है, माल की क्या कंडीशन है, जिससे ये पता चल सके कि जो NCDX में प्राइस चल रही है वो सही है, मैनिपुलेटेड नहीं है। तो ओके मेरे अंकल के पास भी फोन आता था, क्योंकि काम काफी अच्छा था हम लोगों का, टच हो। जी तो वहां से मेरे अंकल के पास हमेशा शुरू दिन से सिक्स सेंस रहा, भगवान का आशीर्वाद। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तू ये काम करेगा क्या, ये काम बहुत अच्छा है, तेरे को समझ में आता है क्या। क्योंकि उस समय जी मैं, मेरे को अब कुछ और करना था, क्योंकि मेरे को कहा कि अब होना जाना है नहीं MBBS, जैसे कहते हैं ना दिल टूट जाता है, जो बच्चे लोग नहीं वो 2 बार फेल हो जाते हैं करके, तो वो दिल टूट जाता है, दिमाग नहीं लगता। तो फिर ये था कि अब बिजनेस हाँ करना है, तो करना क्या है करके वो जूते पड़ रहे थे, जैसे हर बच्चों के साथ होता है वही कहानी मेरी थी, कुछ अलग नहीं थी। बहुत परेशानियां, डिप्रेशन, कोई भी दिशा नहीं होना, इंसान को कुछ समझ नहीं आना। बट हर इंसान में क्या होता है, कोई ना कोई एक भगवान बन के आता है। तो उस समय वो भगवान बन के अंकल आए, मतलब वो आपके रिलेटिव होते हैं, दोस्त होता है, कोई ना कोई होता है, बट भगवान भेजता है। तो जी उन्होंने बोला तू ये देख, तेरे को समझ में आता है तो कर सकता है। तो एक्चुअली हमने देखा उस समय, फिर हम लोग वो MCX में उस समय, मतलब उस समय क्या, MCX तो आज भी रात के 12 बजे तक चलता है, तो गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग होती थी, रात के 12 बजे तक हम लोग बैठते थे। तो अब देखो बालक मन उस समय में, आपको पता है लैपटॉप नहीं मिलना, इंटरनेट नहीं मिलना, इंटरनेट के लिए लोग साइबर कैफे जाते थे, और वो सब सिर्फ जी गिने चुने लोगों के पास ही घर में इंटरनेट हुआ करता था, क्योंकि बहुत ही महंगी फी होती थी। भगवान की दया से सब घर में मिल गया, तो एक इंटरेस्ट जाग गया कि अरे मुझे कंप्यूटर शुरू दिन से पसंद था, तो गालियां पड़ती थी कि अरे तुम दिन भर कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हो, तो एक कंप्यूटर मिल गया, अब कोई गाली नहीं दे सकता है। इंटरनेट मिल गया, ऊपर से इसमें क्या था, पैसा आ रहा है जा रहा है क्विकली क्विकली, यानी आपका कोई उधारी उधारी का कोई कहानी नहीं है, बिजनेसमैन
क्या देखता है हमेशा, उसका पैसा कहीं भी सामान मार्केट में जा रहा है तो वो उधार ही जा रहा है, पैसा कब आएगा, फंसा हुआ है, पार्टी बोर्ड, अच्छा हम भेज रहे हैं। तो हम लोगों ने बिजनेस में ये सारी चीजें मारवाड़ी हैं तो धंधा ही तो देखते आए हैं बचपन से, तो ये सारी चीजें हमने शुरू दिन से देखी। तो वहां पर ये जब चीजें शुरू दिन से देखी तो यहां पर समझ में आया नहीं, ये धंधा अच्छा है, क्विकली पैसे का ट्रांजेक्शन है, कोई उधारी नहीं, सब कुछ नगद वाली बात है। ये सब चीजों से मुझे मजा आ गया, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मुझे चीजें समझ में आ रही हैं। तो उन्होंने फिर मुझे मुंबई भेजा ट्रेनिंग के लिए, डायरेक्ट मुंबई, जहां जी पर जो ब्रोकर होते हैं ना, तो ब्रोकर में भी जिनके पास डायरेक्ट टिकट थी, यानी मेंबर थे, जो एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स के मेंबर थे, उनके पास भेजा, जो उनके फ्रेंड थे। तो मैं मुंबई में जी रहा, मुंबई में मेरे एक और अंकल रहते हैं कलम्बोली में, तो मैं कलम्बोली में उनके यहाँ रहता था। रोज सुबह मैं बस पकड़ के टाइम से ऑफिस पहुंचना है, क्योंकि मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलना है, तो बस से, ट्रेन से, जैसे भी जाना हो टाइम से पहुंचना। तो इस तरीके से जर्नी शुरू हुई, सीखने को मिला, सीखते सीखते उसमें मजा आया, तो ऐसे ये एक जर्नी हमारी यहाँ पर शुरू हुई। और चीजें जी इंटरेस्ट की थी, क्योंकि बिजनेस भी हो रहा है, अपने शौक भी पूरे हो रहे हैं, हम जैसे यंग बच्चों को फुल डे नहीं बैठना है, आज हम लोग यही तो चाहते हैं, अरे कौन फुल डे बैठेगा, पैसा कमाया, घर गया, एंजॉय किया ना, परिवार है। पुराना जमाना तो है नहीं कि दुकान खोल के दिन रात बैठे पड़े हैं, संडे भी बैठे पड़े हैं। तो ये सारी साइकोलॉजी हम, मतलब मेरे पे फिट होती थी, कि जिसके कारण ये जर्नी फिर बनी। तो आपको आपके हिसाब से एक फिट काम मिल गया और आप उसमें लग पड़े और उसमें आपने टाइम हाँ, 3 साल ये दे आपने दिए। बहुत करेक्ट बोला कि मेरे हिसाब से एक फिट काम मिला, चाहे वो पैसे का एंगल हो, लाइफस्टाइल का एंगल हो, जीने, जिंदगी को देखने का एंगल हो, इंसान सैटरडे संडे फ्री हो सकता है उसका एंगल हो, सब कुछ एक पैकेज है। इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक मार्केट इतनी प्यारी जगह है, आप परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हो दिन भर, मतलब हम बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, 2-3% का तो धंधा हो गया आज के डेट में। आप कोई धंधा ले लो, आप एलजी की एक फ्रेंचाइजी ले लेते हो, 3% से ज्यादा का रिटर्न नहीं मिलता, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। यहां पर तो आपको घर बैठे एसी में बैठे हैं आराम से कर रहे हैं, ना स्टाफ ना कुछ, आप आराम से कीजिए ट्रेडिंग, बशर्ते सीख समझ के सही एक बात टाइम और जर्नी दीजिए, आपको मजा आएगा। तो सही बात है वो सही चीज बात है सही मिली, बात मजा है। आता चला गया, हमने इसको जुनून बना लिया, पैशन बना लिया, यही लगा यही दुनिया है, इसी के लिए हम, शायद जैसे कहते हैं ना, हर एक इंसान की जब जर्नी होती है उस समय नहीं समझ में आता, बट जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो कहता है भगवान ने इसी हाँ चीज के लिए बनाया, क्योंकि हमने भी वो पागलपन दिया। अगर हमने जी पागलपन नहीं दिया होता तो ये जर्नी नहीं होती। जैसे हमने भी अपनी जर्नी में न जाने कितने लोगों को देखा जो हमारे साथ चले थे गायब हो गए। गायब क्यों हो गए? क्योंकि उनके लिए मौज था, मजाक था, मस्ती थी, हमारे लिए मौज मजाक मस्ती कभी रहा ही नहीं, एक सीरियस बिजनेस। मारवाड़ी बैकग्राउंड से आते हैं, हर चीज को बिजनेस से रिलेट करते हैं, पैसे की वैल्यू शुरू दिन से सीखी, पैसे की समझदारी शुरू दिन से सीखी, तो वो जो चीज थी उसने कभी गलत होने नहीं दिया, भगवान के दया जी 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 सर, जितना अभी जैसे आपने बताया कि आपको एक बेस्ट फिट मिल गया आपके लिए, आपके हिसाब से, तो लेकिन ऐसे कई सारे आजकल भी यूथ है, इंजीनियर कह लीजिए या स्टूडेंट लाइफ में कह लीजिए, उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए बेस्ट फिट काम क्या है या फिर वो क्या कर सकते हैं। तो उस बेस्ट फिट तक पहुंचने के लिए आप एक रोड मैप बता सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी बता सकते हैं, कुछ पॉइंटर बता सकते हैं कि अगर वो टिक हो गए तो यस ये आपके लिए बेस्ट फिट होगा। ऐसी कौन सी चीजें की जा सकती है? ये पता है, ये बड़ी प्यारी, आपका सवाल बहुत प्यारा है, इसका रीजन क्या है, जो मैं करता था और आपने कहा कि जरूर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, हम लोग कभी भी खुद से बातें नहीं करते हैं, हम लोग दूसरों से बातें हाँ करते हैं। मेरे अंदर शुरू दिन से एक, मतलब ऐसा नहीं कि मैं अभी हूं 40 का तो मुझे मतलब अभी ये समझ आई है या मेरे अंदर ये समझ, अभी मेरे को शुरू दिन से था एक चीज जो मुझे शुरू, खुद से बात करना, मैं हमेशा खुद से 10 मिनट बात करता हूं, ऑलवेज फ्रॉम द बिगनिंग। रीजन क्या है, कई बार जब हम बच्चे थे तो जैसे कहते हैं ना, कभी किसी को आप कुछ गलत बोल देते हो, बाद में मम्मी पापा डांटते हैं, तो परवरिश इतनी अच्छी रही ना कि जब आप किसी को कुछ गलत बोल रहे हो या कंप्लेन आ रही है या मम्मी पापा समझा रहे हैं, तो आपको रियलाइज हो रहा है कि अरे ये क्या मैंने गलती कर दी या मेरे शब्द, तो वो एक बार मेरे लाइफ में स्ट्राइक किया था कि ये चीज क्या हुई जो मैंने गलत बोली। दैट मींस कुछ तो है, जब जी इंसान भावावेश में आके कुछ गलत बोलता है और बिना सोचे समझे बोलता है, चाहे उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर हो। वो का दिन और आज का दिन, मैं हर दिन 5 मिनट 10 मिनट जो भी एक अपना सिनारियो रहा को, फ्री टाइम मिलता ही मिलता है, चाहे आप वॉशरूम में बैठे हो, कार में बैठे हो, बाइक में, मतलब मिलता है, उस टाइम में मैं खुद से बात करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि मैंने एक दिन भर में क्या किया,
मेरी जिससे मुलाकात हुई मैंने उससे किस तरीके से बात की, क्योंकि एक चीज मैं बताता हूं, आप बताना। जी आप सोचो अभी मेरे इंटरव्यू से पहले, यानी आज सुबह उठने से पहले अभी तक में आपने कई लोगों से बात की होगी। जी जी कभी आपने ये फील किया कि कभी किसी से बात करने के बाद सडनली आपको फील आता है, इससे मुझे जैसे बात करनी थी वैसे मैंने बात नहीं करी, या कुछ तो कमी रह गई है, बट इंसान इस पे तवज्जो नहीं दे पाता और फिर वो दिन भर के दिनचर्या में आगे निकलता चला जाता है। हाँ, एग्जैक्टली हुआ एग्जैक्टली, है सही बात। ये, जी सबके साथ होता है, बट इंसान तवज्जो नहीं देता। और आप गौर करना, अगर इसी चीज को आप रात में जाके करना, मैं आपको गारंटी चैलेंज कर सकता हूं, आपकी चाहे बिजनेस की डील हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रिलेशन हो, कैसा भी माहौल हो, कोई भी चीज हो, आपको रात में घंटा बजेगा जब आपका फ्री टाइम रहेगा, और वो घंटा बजेगा और आप नेक्स्ट डे चाहे आपकी डील फंसी हुई हो उसको सुधार लोगे वापस फोन करके, क्योंकि हमने वहां पर तो उसको तवज्जो नहीं दी थी ना, वो फ्लो फ्लो में बोल के निकल गए थे। या पारिवारिक रिलेशन अगर खराब हो गए हैं तो फ्लो फ्लो में बोल के निकल गए, लेकिन रात में हमें पता चला नहीं मेरे भाई को मैंने कहीं तो गलत बोल दिया यार, कहीं तो। जी आप तुरंत फोन मिला, अरे भाई देख उस समय मैं दूसरी माहौल में था बट मैंने बोल दिया, बट वो था अभी मेरे को समझ में आया यार, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये बहुत जी हेल्प करता है, वो 5 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकता है, और मेरी जिंदगी बदलने में इस 5 मिनट का बहुत रोल रहा है। तो अब आते हैं बैक टू द टॉपिक, जो बच्चे हैं ऐसे ही जी हर इंसान के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ कला दी है, वो पहचान आप सकते हो। अब आप गौर करो मैं बार बार क्या कह रहा था, मेरे अंदर क्या कला थी, मेरे अंदर कला थी लाइक मुझे कंप्यूटर से प्यार था, यानी कंप्यूटर का बिजनेस, इंटरनेट, यानी मेरे को मेरा नेचर था कि मैं भाग दौड़ वाला बिजनेस नहीं कर सकता, भाग दौड़ वाला बिजनेस करता तो माँ बाप का बिजनेस कर लेता ना, वही धंधा कर लेता, लेकिन मैं उस दिन उसके जी लिए फिट था ही नहीं, क्योंकि मैं बोला ना मेरे अंकल के पास जब एक्सचेंज से फोन आता था तो समरी में आप इतना समझ गए होगे कि धंधा भगवान की दया से अच्छा ही होगा ना, बिल्कुल तो भी बिल्कुल उसको ज्वाइन नहीं किया। तो कहने का मुद्दा मकसद ये है कि अपने को मजा नहीं आया, उधर को मजा नहीं आया, मजा क्यों नहीं आया उस, वो भी मैंने डिस्कस किया कि मैंने देखा अरे यार धंधा तो करते हैं पैसा फंस जाता है, फिर अरे तुम्हारा पैसा नहीं आया, परेशान माँ बाप, सबके परिवार में ऐसा ही है, मतलब मैं एक अपने पे ले रहा हूं बट सबके बिजनेसमैन में ऐसा है, तो मुझे कैसा बिजनेस जी मिल रहा है, फिर मेरे को वो मजा क्यों आ रहा है, क्योंकि वो चीजों से मैं रिलेट कर पा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं चलो मेरा एक कैरियर इधर बंद होगा, अब मेरा ये कैरियर, तो मुझे मजा आया, यानी मैं 100% दूंगा। तो मैंने आपको वो भी कहा कि मैंने जब जर्नी जी तो मेरे जर्नी में मैंने कई लोगों को मेरे साथ चलते देखा बट वो खत्म हो गए, अब अता ही पता नहीं है वो स्टॉक मार्केट में, एमसीएक्स में या एनसीडेक्स में, क्योंकि उन्होंने इसको जुआ बाजारी की तरह ले लिया, मैंने फ्रॉम द फर्स्ट डे जी बिजनेस की तरह लिया। तो ये एक जर्नी होती है जहां पे हर इंसान के अंदर खुद जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली हम किस चीज के लिए पागल हैं, हम किस चीज के लिए दीवाने हैं, वो हमें अंदर से आवाज 1000% आएगी। हम गलती क्या करते हैं पता है, इससे उससे पूछते रहते हैं, क्या वो 10 सलाह देने वाले भी मुफ्त वाले मिल जाते हैं, वो 10 जो बिल्कुल सलाह देने वाले मिलते हैं ना वो सलाह उला नहीं होती है सर, सब अपने अपने हिसाब से बोलते रहते हैं, अरे भैया उसका भी तो देखो उसने क्या कर लिया, कौन सा फोर लिया, समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, उसने कौन सा फोर लिया, जी उसने कुछ फोरा तो है नहीं, तो ज्ञानचंद तो आपको जिंदगी में सर 100 मिल जाएंगे। तो सुनो सबकी, करो अपने मन की, बट अपना मन सबसे बेहतर है। हमें, हम लोग सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, इसको उसको देखते रहते हैं, भगवान ने जब हमें बनाया है कुछ तो हमारे अंदर दिया है और वो हमें ही निकालना है, वो भगवान अब अवतरित होके नहीं कहेंगे कि बच्चा ये चीज भी हमने तुम्हारे अंदर जी डाली है, ये चीज मुझे लगती जी है। जी जी बहुत बहुत सही कहा सर आपने। और वो जो बताया ना कि मतलब कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होता है, वो दिमाग में रह जाता है कि यार इस बंदे से हमने, बंदी से अच्छी तरह बात नहीं की, जैसे करनी चाहिए थी वैसे नहीं की। और फिर हम फिर कॉल करने की बात आपने की कि उनसे यार थोड़ा ठीक से ढंग से जो है रिलेशन वापस जैसे थे वैसे करने की कोशिश कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं सर, वहां पे अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि ये मेरे से गलती हुई है। सर ये जिगरा नहीं होता बहुत लोगों में, उनको लगता है आई एम ऑलवेज राइट। ये जिगरा जो गलती एक्सेप्ट करने का है ना सर, ये कैसे बनाया जाए, मतलब ये सच में उत्सुक करता है मतलब ये नहीं प्रश्न। ये ऐसा है ना सर, देखो एक दिन में तो कुछ होता नहीं, कुछ होता नहीं है, बिल्कुल 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 बट जैसा मैंने कहा कि ये मेरे शुरू टाइम से, स्कूल टाइम से ही घटना घटी घर में, फिर मेरे को वो एक खुद में फील आई कि मैं खुद से बात करूं। जब आप खुद से बात करने लगते हो तो आपको एक आइडिया लगता है कुछ है। प्लस मेरे लाइफ में दो लेडी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको आप कह लो बेस्ट क्रिटिक हमेशा रही, जब तक शादी नहीं जी हुई थी मेरी मदर ऑलवेज जी सपोर्ट में भी उतना ही डंडा लेके खड़ी है, क्योंकि डंडा लेके वर्ड क्यों यूज किया उसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि जब मैंने बीडीएस छोड़ दिया,
तो अब आज तो यू मैं बड़े आसानी से कह देता, आपको कह दिया कि चलो मेरे अंकल ने मुझे ये बोला, मैं मुंबई चला गया, ट्रेनिंग लेने लगा, बट ये कहने में बड़ा सुंदर लगता है सर, बट प्रैक्टिकली बिल्कुल ये वैसा था नहीं। ये वो बहुत ही मुश्किल भरा दौर था, जिस समय आप जिस जिंदगी को जीते हो ना, आप ही समझते हो कि दिल पे क्या गुजरती है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, रिलेटिव, आसपास लोग, दोस्त यार, सब एकदम यूं खाने को लाइक रहता है, अरे यार, अरे लड़का ठीक नहीं है, देखो ना वो कैरियर हाँ लिया, इसके साथ रहना मत, कई तरह की निगेटिव बातें चलती है सर। तो उस समय मैं मदर का जी साथ में घर आना, नहीं, मेरा बेटा जो करेगा मुझे उस पर कॉन्फिडेंस है, तो वो चीज मेरे साथ हमेशा रही, कि जी 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 मतलब मदर का भरोसा है करके। और वो हमेशा क्रिटिक इसलिए बोला कि उन्होंने, मैंने कुछ भी गलत किया, जो मैंने आपको बोला ना कि मेरे साथ हुआ, तो मदर ने, लोग हमें समझाते थे, तो वो मेरे अंदर आ, तो उन्होंने हमेशा समझाया, यहाँ पे तू सही है, यहाँ पे गलत है, बाकी तेरी मर्जी। वो बहुत, फिर मेरी वाइफ आई, सेम कहानी उसकी, वो तो एकदम डंडा, वो तो मेरी मदर से भी बहुत बड़ी वाली है। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ भैया, हमारे झगड़े हो जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कहना है कि भैया मुझे बताना है कि तुमने क्या गलत किया है या क्या सही किया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लाइफ में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जो जी दो लेडी का एक साथ कह लें, यही रीजन है कि आज जब हमने लखनऊ में जो इवेंट किया था, आप, आई जी होप आपने देखा हो या जिसने भी देखा हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, तो वो इवेंट इस स्तर का था ना कि मैं किसी भी प्रशासन के अधिकारी को बुला सकता था, और भगवान की दया से लखनऊ में इतनी पहुंच है, कोई भी सरकारी हाँ अधिकारी, कोई भी नेतागण आ सकते थे, बट मैंने किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि मुझे लगता था वो मेरे जी लाइफ का वो मोमेंट था जहां पे मदर, मेरी मदर और मेरी वाइफ स्टेज पे रहे, जो एक दिया जलाया जाता है, श्री गणेश किया जाता है, वो लोग करे, वो एक मेरी जिंदगी का एक सबसे बेस्ट मोमेंट था। वरना वहां पर, जहां पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, 2,000 लोग तो बैठे पड़े हैं और सुबह 4 बजे से लाइन लगी पड़ी है, मतलब एक अनदर लेवल जी पे इवेंट, पूरे यूपी में लोगों का कहना है कि ऐसा इवेंट हुआ नहीं करके। जी तो जी आज जी वो चीज, तो वही, मैं उसी के बारे में सर मैं थोड़ा अभी पूछना चाहूंगा। आपने जिक्र कर दिया है, तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसके पीछे की जरा सर कहानी बताइए, और ये शुरुआत कैसी हुई एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टू जस्ट हाँ भैया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, ये बताइए सर जरा। सबसे पहले तो ये इवेंट क्या था, तो ये इवेंट फाइनेंस का इवेंट था जो हमने जी यूपी में जी किया। जहां तक जी हमें हर बार हर इवेंट में हर जगह बुलाया जाता था, तो आप लोगों को पता ही है कि मुंबई, दिल्ली, ऐसे शहरों में, यानी टीयर 1 सिटी में ऑलवेज इवेंट होते हैं फाइनेंस के, बराबर, बिल्कुल और हमें जी बुलाते थे। तो ये हमेशा एक लगता था कि हम लोग टीयर 2, लखनऊ टीयर 2 सिटी ही काउंट होता है, तो टीयर 2 सिटी में होता नहीं है। तो एक तो ये हुक हमेशा था कि टीयर 2 सिटी में है यानी होना, दूसरा था कि जब होना है तो होना ऐसा है कि पूरे यूपी में इस स्तर पे कुछ हुआ ना हो करके। तो ये वो दो चीजें जी थी जो इवेंट को अनदर लेवल पर ले गई। जहां तक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात आती है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्या थॉट प्रोसेस था, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड का थॉट प्रोसेस था कि जैसे सर, ये एक बचपन की कहानी है, वही मदर की, कि जी जी लाइक जो जी मैंने कहा ना, कि वो जो मैंने यूं कह दिया कि वो जर्नी यूं आसान थी, मैं मुंबई चला गया एंड ऑल दैट, कहना बहुत आसान होता है, बट जो इंसान उस जिंदगी को जीता है वो समझता है। तो उस समय कई चीजें आती थी, लाइक आपका बेटा बिगड़ेल है, ये चीजें हैं। तो मेरी मदर हमेशा सबको कहती थी कि मेरा बेटा नाम करेगा, और करेगा जी तो आप लोग देखिएगा कि क्या करेगा। तो वो चीज एक फील थी कि कुछ ऐसा तो हो, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जी तो जी आप, जी ठीक है, भगवान ने मुझे 2003 से ही मैं कमाने भी लगा, मतलब सब कुछ भगवान की दया से सब कुछ अच्छा हुआ, कमाने लगा, मतलब सब कुछ, मतलब आप ये समझो, इस स्तर पे मैं बताऊं, मेरी सिस्टर की शादी हुई, मैंने अपने फादर से शादी के पैसे नहीं खर्च करवाए, वो सारे पैसे मैंने खर्च किए थे अपनी सिस्टर की शादी में, क्योंकि जी वो जो एक जी हुक था उसको दूर करना था। तो भगवान की दया से हर कुछ बहुत स्मूथ होता चला गया, बट एक कहते हैं ना, कुछ तो अलग होना जो एक मैसेज दूर दूर तक जाए, तो वो एक था कि कुछ क्या होना। तो दैट्स द थिंग कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जब आपके नाम होता है तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, और वो वही हुआ कि वो जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, तो उसके बाद मेरी मदर के पास या मेरे पास जो फोन कॉल और जितने रिलेटिव,
तो वो चीज है, तो वो एक इस तरीके से निकल के होती है, तो आपके अंदर रहता है। मैं इसलिए तो वो आप मैं एक मतलब अपन तो एकदम लाइव बात कर रहे हैं, मैं सारे सुनने वाले कहूंगा आप ट्राई करके देखो। और कोई इसके लिए मैं मजे की चीज बोलू, जैसे लोग कहते हैं ना किसी चीज को लगातार साल भर करो, 6 महीने करो तब होगा, मैं आपको एक बड़ी प्यारी चीज, आप 15 दिन करो, 15 दिन तक जी रोज खुद से बात करो, आपको खुद में ही चेंज आएगा। फिर 16वें दिन से यूं मजा आने लगेगा कि आप खुद से 100% बात करोगे, क्योंकि चीजें सुधरने लगेंगी। क्योंकि अल्टीमेट हम बात तो नहीं कर रहे, हम तो चीजों को सुधार रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, हम अपने गोल तय कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर प्लान तय कर रहे हैं, हम अपने सक्सेस प्लान तय कर रहे हैं, राइट है ना। तो जी वो जी चीज बहुत मायने रखता है। तो मतलब सर, जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब आपकी जिंदगी और कोई नहीं, आप खुद ही बदल सकते हैं, ये स्टेटमेंट के लिए ठीक है, ये हम बोलते हैं, पर एक्चुअल में जो आज आपने एक सॉल्यूशन, एक तरीका बताया उसके लिए कि कैसे चेंज करते हैं, कि भैया जिस आदमी से बात करनी चाहिए उससे तो कर, खुद से तो यस कर, यस, देखो देखो फिर तो चेंज। क्या है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। ये कहने मैंने खुद अपने लाइफ में जब बिजनेस करना था, जैसे कहते हैं ना कि अब अंकल के पास आइडिया आ गया, बट ऐसा थोड़ी कि 2 मिनट में उड़ के आ गया। तो उस समय जब हम लोग इधर उधर रिलेटिव से बात करते थे कि अच्छा मेरा बेटा को बिजनेस करना है, आइडिया कोई कुछ नहीं, मैं एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, यूं ही तरह तरह की बातें, कोई ज्ञान नहीं देता। जबकि हर मतलब भगवान की दया से हम लोग तो अच्छे, मतलब रिलेटिव में भी चले जाओ तो सब दिग्गज दिग्गज प्राणी सब बैठे हैं, दिग्गज प्राणी, सबका दिग्गज दिग्गज काम है, समझ रहे हो। लेकिन उसके बाद भी जब आप आइडिया पूछोगे तो आइडिया में नील बट्टे सन्नाटा होता है, क्योंकि कोई किसी को ना तो आगे बढ़ाते में खुद से, ना कोई किसी के सपोर्ट करता है। वो खाली कहने सुनने में बड़ा मजा आता है, मतलब बात करेंगे जो मतलब हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री ना करें, बट मैंने जो जिंदगी में गुजरा हूं वो मैं बिल्कुल मतलब वो मैं बिल्कुल अपनी लाइफ शेयर कर रहा हूँ। जी लोग जी कहने जी में रिलेटिव वगैरह हो या सब, सब कहने में अच्छा लगता है, जी जर्नी तो जी आप ही को लिखनी पड़ती है। सही बात है, सही बात है। आपने अपनी मूवी अगर बनानी है तो अगर आप उसके हीरो आपको पता है तो भैया लिखना तो पड़ेगा, बिल्कुल खुद से पूछना तो पड़ेगा खुद से डेल। लिखना पड़ेगा, तो स्टोरी खुद की होगी सही बात भैया, किसी की दीवी स्टोरी पे मूवी हिट नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो वो ऐसा हो जाएगा सर, रीमेक बनाते ना आजकल, रीमेक कोई चलती है बस बस वही नहीं वही वाली बात है। अब विक्रम वो वेदा रीमेक इतनी नहीं अच्छी चलती। मूवी जो मुझे पसंद थी, बट देखो आई ऋतिक वाली में तो फ्लॉप हो गई। जी, तो ऐसी कुछ है सर चीजें। और आपने जो जिक्र किया ना, वो एक ड्यूरेशन था आपके लाइफ पे, एक टाइम था, पीरियड था जिसमें कुछ नहीं हो रहा था। मतलब आपने कहा कि वो बताने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जो जिसके ऊपर गुजरती है, मैं पूछना चाहूंगा, मैं सर उस पीरियड के दौरान एक चीज होती है जो कि हर कोई एक्सपीरियंस करता है, वो होता है सेल्फ डाउट, खुद के ऊपर डाउट करना। किसी के दिमाग में अगर ये है सेल्फ डाउट, वो अगर उसको ऐसे लग रहा है कि यार सब तो अपोज में बोल रहे हैं, अपन गलत तो नहीं कर रहे, ये सेल्फ डाउट आता है, तो हो सकता है उससे सर, कैसे डील देखो ऐसा करें? नहीं मैं मतलब कहूंगा, अब इसके भी दो सेंस है। सेल्फ डाउट का सेंस क्या है, जैसे सेल्फ डाउट का सेंस ऐसा है कि जैसे मेरे मेरे में क्या है कि लोग डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं, मैं डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगाता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको जी कहा कि 2 बार मैंने किया एग्जाम, अनबिका वक्त नहीं होगा, बट उस समय भी मैंने एक चीज कहा कि अब तो दिल तो टूटता ही है, दिल थोड़ी नहीं टूटता है, सपना था ना एमबीबीएस डॉक्टर बनना, सपना था, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जी आप पढ़ाई जी कर रहे हो, शुरू दिन से एक सपना लेके चलते हो, सपना टूटता है अगेन कहना आसान है। अब वहां पे एक चीज होती है, हम पकड़ के रोएं या हम पकड़ के फिर कुछ तो करें यार, मतलब कब तक पकड़ के बिल्कुल रोएंगे, राइट है ना। बिल्कुल वो वहां पर क्या होता है, सेल्फ डाउट इन द सेंस हो जाता है कि लोग जब एक ही चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं नहीं यही करना है यही करना है, फिर 3 बार 4 बार, मैंने कई मेरे दोस्त हैं जिन्होंने 4 4 बार दिया, अंत में नहीं हुआ। मेरे कई दोस्त का फर्स्ट टाइम में भी हुआ, ऐसा भी तो है। आज जी नामी ग्रामी जी सर्जन तक हैं, एमबीबीएस के बाद सर्जन, तो नामी ग्रामी सर्जन, तो सबकी अपनी जर्नी है ना, सबकी मेहनत है। तो वहां पर सेल्फ डाउट को हम ऐसा कहेंगे कि जैसे अगेन वो ये सेल्फ डाउट पता है, सेल्फ डाउट कहने में लगता है कि सेल्फ डाउट है, बट ये जो चारों तरफ जब लोग सवाल उठाते हैं ना सर, एक्चुअली वो दूसरों के द्वारा उठाया गया डाउट खुद में एज अ सेल्फ डाउट के तौर पे निकल के आता है, ऐसा मुझे लगता जी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे जी साथ नहीं हुआ, मैंने खुद ही आपको बताया कि चारों तरफ बम्बार्डिंग होने लगती है, लोग कहते हैं यही तो सबसे बेकार, दुनिया का सबसे बेकार है, राइट, बट आज के डेट में दुनिया का सबसे जी अच्छा लड़का मुकुल अग्रवाल है ना। तो ऐसा ऐसा जी होता है,
ऐसा होता है। हाँ तो ये चीज है, वो ही रिलेटिव जो आपको हेट करते हैं, वही अरे हम तो बोलते थे मुकुल अग्रवाल कुछ फोरेगा, समझ पा रहे हो मेरी बात को? जी दूसरों की ना सुनो, छोड़ो, बस अपने से बिल्कुल बात बिल्कुल करो। बिल्कुल तो मुझे नहीं लगता है सेल्फ डाउट होगा।